डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच केस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट फॉर द कम्प्लीशन। के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 10 है, के इक्वल टू 10^10 है, एंड के इक्वल टू 10^-10 है। के क्या है? के एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के क्या है? के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर रिएक्शन को कंप्लीट करना है, इसके लिए के की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो के जो आएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन अगर कंप्लीट होनी है, तो कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, सही है ना। अच्छा, के इक्वल टू 1 आ रहा है, के इक्वल टू 1 आ रहा है, फिर के इक्वल टू 10 आ रहा है, फिर के इक्वल टू 10^10 आ रहा है, और फिर के इक्वल टू 10^-10। भाई, -10 तो तब आएगा ना जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी ना, और घट के आ जाएगी, माइनस में चली जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की अगर बात करते हैं, तो के की वैल्यू हायर जो वैल्यू होगी, वही रिप्रेजेंट करेगी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई एंड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट, ठीक। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।